हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे वोकैबुलरी, जिसके हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे, साथ में इसको हम रूट वर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे। जो रूट वर्ड्स होते हैं ये काफी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। एक तो आप इससे मीनिंग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं उस वोकैबुलरी का, साथ में मेमोराइज करने में काफी आसानी हो जाती है, और आप एक गैस कर सकते हो मीनिंग। यानी जैसे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, तो आप गैस कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि आपको उसके रूट वर्ड का मतलब पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स। पहला है एम। एम जो रूट वर्ड है वो लव के लिए यूज किया जाता है, यानी कहीं भी किसी भी चीज के अगर लव से रिलेशन या फिर फ्रेंडशिप से रिलेशन अगर किया जाएगा किसी वर्ड का, तो उसमें एम वर्ड जरूर आएगा, यानी स्टार्टिंग एम से होगी उसकी। जैसे कि एमिकेबल। एमिकेबल जो वर्ड है ये फ्रेंडली नेचर को डिस्क्राइब करता है, यानी आप किसी को भी बताना चाहते हो कि ये बहुत फ्रेंडली नेचर है, तो उसके लिए आप एमिकेबल वर्ड यूज करोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, और इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मैत्रीपूर्ण। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एमिटिंग। ये भी एम जो वर्ड है इसी रूट वर्ड से मिलके बना है, इसका मतलब जो होता है वो है फ्रेंडशिप, यानी मेल झोल। ये बहुत गहरी दोस्ती के लिए यूज किया जाता है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, तो उसके लिए आप एमिटी वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है एमोरस। एमोरस जो वर्ड होता है ये लविंग के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रेम संबंधी जो चीजें होंगी उसके लिए आप एमोरस यूज करेंगे। ये नॉर्मल फ्रेंडशिप के लिए यूज नहीं किया जाता, ये मोस्टली कपल्स के लिए यूज किया जाता है एमोरस वर्ड। अगला हम देखते हैं, ये है एग्री फील्ड। जो एग्री जो होता है उसका मतलब होता है फील्ड, यानी एग्री हमारा रूट वर्ड है। ये आप कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ अगर आप देख देते हैं एग्री वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। जैसे पर एग्रीनेशन। पर एग्रीनेशन जो होता है इसके अंदर भी वही है, इसमें गाइज ए का साउंड आता है लेकिन जो लिखा जाता है वो ई है। ई जो है ये साइलेंट है, तो इस ये भी एग्री एग्री जो रूट वर्ड है उसी से मिलके बना है, यानी वॉन्डरिंग थ्रू फील्ड्स, यानी घूमना फिरना जो हम करते हैं कच्चे रास्तों पे मोस्टली यूज किया जाता है इसको। सफर आपने करा है या फिर फील्ड्स के बीच से आप होते हुए निकल रहे हो या फिर किसी जंगल के बीच से होते हुए निकल रहे हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड काफी ज्यादा यूज करते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है कल्टिवेशन ऑफ फील्ड, यानी ये भी रूट वर्ड वही है हमारा एग्री, जो कि फील्ड से रिलेटेड होगा, और कल्चर है यानी कल्टीवेशन ऑफ फील्ड्स होंगे, तो ये इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कृषि, यानी खेती बाड़ी करना। अगला जो है वो है एगेरियन। एगेरियन जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है फार्मर्स के लिए, वन हु वर्क इन द फील्ड, यानी जो फील्ड के अंदर काम करते हैं जो किसान होते हैं उनके लिए भी, साथ में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी एगेरियन वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर आप फार्मर बोलते हैं कहीं पे और एगेरियन बोलते हैं, तो एगेरियन वर्ड को ज्यादा अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, तो एगेरियन वर्ड ज्यादा अच्छा है। अगला देखते हैं हम रूट वर्ड, वो है ऑड। AUD। ऑड का जो मतलब होता है वो होता है साउंड, यानी ऑड अगर आपको किसी भी वर्ड के बीच में ये तीन लेटर्स अगर आपको दिख रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब होगा वो साउंड से रिलेटेड चीज होंगी। जैसे कि ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जो होता है वो एक ऐसे एरिया होता है या ऐसी बिल्डिंग मान लो, जो कि एक ऑडियंस के बैठने की जगह होगी जिसके अंदर, यानी कुछ लोग बैठ के किसी को सुन सकते हैं। यहाँ पे कंसर्ट हॉल भी हो सकता है, यानी कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो या फिर कोई भाषण चल रहा हो, या किसी भी एक ऐसा एरिया, एक क्लोज्ड एरिया ऐसा हो जिसके अंदर आपको लोग सुन सकते हैं, तो वो ऑडिटोरियम आएगा। इसको सभा मंडप भी बोला जाता है। ऑडिएबल। ऑडिएबल जो होता है यानी इसका मतलब होता है एबल टू हियर, यानी सुनाई देने योग्य। कोई भी चीज होती है अगर आपको सुनाई दे रही है, वो सुनाई देने के योग्य है, तो उसको हम ऑडिएबल बोलते हैं। कई बार ये होता है कि पीछे जैसे क्लासरूम में बच्चे काफी पीछे बैठे होते हैं, उनको बच्चों को आवाज नहीं सुनाई दे रही होती टीचर की, तो उसके लिए वो यूज कर सकते हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल। तो मतलब कि मुझे आपकी जो आवाज है वो
सुनने योग्य नहीं है, पूरी मेरे तक पहुंच नहीं रही है, तो नॉट एबल टू हियर से अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, ये अच्छी वोकैबुलरी में आता है, तो ऑडिएबल। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं कि वो प्रोफेशनल या फिर वो डॉक्टर जो कि मेनली कान के डॉक्टर होते हैं, यानी हियरिंग लॉस या डिसऑर्डर के ऊपर जो काम करते हैं, जो उनको सही करने की हेल्प करते हैं, ये जो कान के डॉक्टर होते हैं उनको ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला जो है वर्ड हमारा वो है ऑडियो टेप। ऑडियो जो होगा इसके अंदर भी ये साउंड से रिलेटेड होगा, यानी ऐसी कोई मैग्नेटिक टेप ऑन विच साउंड कैन बी रिकॉर्डेड। तो ऐसी कोई टेप्स जो आएंगी जिसके अंदर साउंड रिकॉर्ड अगर हो सकती है तो हम उसको ऑडियो टेप बोलेंगे। तो गाइज ये थे कुछ हमारी वोकैबुलरी जो कि हमने रूट वर्ड से स्टार्ट की है, तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं जितने भी वोकैबुलरी लेके आ सकती हूँ या फिर जितने मैं क्वेश्चन पेपर्स डालती हूँ, और DSSB एग्जाम्स के लिए, CTET के लिए, HTET के लिए मैंने काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं, तो आप प्लीज उन्हें भी देखें और सब्सक्राइब मेरे करें मेरे चैनल को। और मैं रोज वीडियोज डालती हूँ, आपको तभी की तभी मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।